नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गुलर के फायदे के बारे में। दोस्तों, गुलर एक प्रकार का जड़ी बूटी होता है जिसका वर्णन आयुर्वेद में भी किया गया है। इसके प्रयोग से पुरुष कमजोरी, धातु रोग, बवासीर, स्किन की बीमारी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। दोस्तों, गुलर का पेड़ विशाल आकार का और घना होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 15 से 20 मीटर तक का होता है। इसके फल अंजीर के समान दिखाई देते हैं। यह फल जब छोटा होता है तब यह बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। गुलर फल पक जाने पर लाल तथा हल्का भूरा रंग का होता है। दोस्तों, गुलर पेड़ के हर एक अंग जैसे छाल, कच्चे पके फल और दूध में औषधीय गुण कूट कूट कर भरा पड़ा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे जान लेते हैं इसके फायदे के बारे में कि इसका प्रयोग कौन से बीमारी में कैसे करना है। दोस्तों, धातु रोग के लिए गुलर किसी चमत्कारी औषधि से कम नहीं है। इसके प्रयोग से धातु रोग बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। इसके लिए गुलर के कच्चे फल को तोड़कर इसको अच्छे से धो ले। अब इसको बारीकी से कूटकर इसमें मिश्री मिलाकर रोजाना सुबह शाम 1-1 चम्मच की मात्रा में प्रयोग करें। धातु रोग जड़ से ठीक हो जाती है। इसके बाद पुरुष कमजोरी या गुप्त रोग को ठीक करने के लिए यह रामबाण औषधि की तरह काम करता है। इसके लिए इसके पके फल को तोड़कर इसको धूप में सुखाकर इसका पाउडर बना लें। अब इस पाउडर में हल्का मिश्री मिलाकर रोजाना सुबह शाम 1-1 चम्मच की मात्रा में सेवन करें। गुप्त रोग, पुरुष कमजोरी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। इसके बाद गुलर के दूध के प्रयोग से बवासीर का इलाज पूरी तरह से किया जा सकता है। कैसा भी बवासीर क्यों ना हो, इसका दूध बवासीर के लिए काल है। इसके लिए 2 चम्मच की मात्रा में पानी को लेकर इसमें 10 बूंद की मात्रा में गुलर का दूध डाल ले। अब इसको बवासीर के मरीज को पिलाएं। बवासीर बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। गुलर के दूध के प्रयोग से मुंह के छाले बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसके लिए 1 चम्मच की मात्रा में गुलर के दूध को लेकर इसको उंगली से मुंह के छाले वाले स्थान पर लगाकर फिर इसको 2 मिनट के बाद थूक देने से मुंह के छाले बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, गुलर के जड़ और गुलर के कच्चे फल दोनों को समान मात्रा में लेकर पीस ले। अब इसको दस्त वाले मरीज को खिलाने से दस्त बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे जल्द जुड़ते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का फिर से धन्यवाद।